ओ डिड इट, विकास सर, ओके। अरे अम्मा वाह, ये तो ग्रेट हो गया, थैंक यू विकास सर। अम्मा अच्छा बोल नहीं रहे, देखो सरप्राइज। ग्रेट ग्रेट। तो कोई नहीं, अभी विकास दो तीन, अभी आप इसको बंद कर दी विकास। थैंक यू ना मैम, स्टार्ट प्लीज। थैंक यू मैम। उपस्थित यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं, होस्ट हैं, को-होस्ट हैं या अटेंडीज हैं, और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जगदीश मोदी जी का दिल से एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम सभी ऑन पैसो के फाउंडर्स या ब्रांड एम्बेसडर आज इस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो निश्चित ही है हफ्ते में 4 दिन हम इन ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो हमारे पर्सनालिटी के अंदर एक ग्रोथ लाते हैं और एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हम सभी लोगों के लिए, इसके लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर जगदीश मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा एक सुंदर प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया। मैं साथ में धन्यवाद दूंगा, यहाँ पर सरवनन जी हैं, नाजमा मैम, साहिन मैम और जयमुखी हैं या और भी इतने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, उन सभी का कि जिनके बैकएंड सपोर्ट से हम सभी लोग यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या इस क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बातें कर पा रहे हैं। और आज का टॉपिक निश्चित ही बेहद खूबसूरत है, ऑनेस्टी। यहाँ पर हमारे कार्यक्रम की आज होस्ट हैं संपा सरकार मैम, और जो आज प्रेजेंट करेंगी वो है मिसेस सीमा जैन। तो देर ना करते हुए मैं संपा मैम को इनवाइट, सादर सहित इनवाइट करता हूँ कि मैम आइए आज के सेशन की होस्टिंग करिए। वेलकम संपा मैम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मेरा नमस्कार, मैं शंपा सरकार वेस्ट बेंगाल इंडिया। आज नई दिशा जो हमारा टीम चैंपियन का रिगार्डिंग जो वेबिनार है, इसमें मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका वेलकम करती हूँ। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, जितने भी अटेंडीज है, सबका मैं दिल से वेलकम करती। तो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे इधर जो नई दिशा है, हम सब सारे ऑन पॉसिट के प्राउड माने ब्रांड एम्बेसडर और फाउंडर, तो हम लोगों का अभी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। इसीलिए हमारे ग्लोबल लीडर जो बोल डॉक्टर नीतीश मोदी इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हमें दिया है, जो अपने अपने जो पर्सनालिटी है उसको थोड़ा डेवलप करे, तो सबका पर्सनालिटी को निखारने के लिए ये नया नई दिशा है। तो आज इधर हर दिन एक नया नया टॉपिक रहता है, आज हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो होता है ना, हम हमारे जिंदगी में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी। हर काम में हम कहीं काम करते हैं या घर में हमारे जो हमसे प्यार करते हैं उसके प्रति, हर किसी के प्रति ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जो बोलते हैं ना ईमानदार, जो ईमानदार होते हैं ना वो भगवान को भी प्यारा होते हैं, भगवान भी उसे बरकत देते हैं। तो जो ईमानदार नहीं है उसे लोग क्या कहते हैं, बेईमान। तो हमें ऑनेस्टी रहना है, ईमानदार रहना है। तो ईमानदारी के जो बहुत बड़े बड़े मिसाल है दुनिया में, हम उतना नहीं अगर नहीं कर पाए लेकिन फिर भी हमको हमारे काम के प्रति, हमारे जिंदगी, हमारे फैमिली, हमारे जो हम जो नया बिजनेस में आए हैं ऑन पसी, सबके प्रति हमारा ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी। तो इसके लिए प्रेजेंट करेंगे हमारे सीमा जैन जी, जो बहुत ही उनका नॉलेज असीम है। तो वेलकम सीमा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच शंपा जी, थैंक यू सो मच। जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी अटेंडीज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार।
आज का टॉपिक है ऑनेस्टी, और ये टॉपिक हमें इदरीस मोदी सर ने दिया है। उन्होंने नई दिशा के माध्यम से हम सभी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एक मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर को। ऑन पैसिव को बहुत थैंक यू, क्योंकि उसके वजह से हम लोग सब आज ये एक ऑन पैसिव परिवार बना है। आज के जो टॉपिक है ऑनेस्टी, उसके लिए जो अमेरिका के फाउंडर हैं मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक प्रोवर्ब दिया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी पूरा आधार ही एक देश का ये कह लीजिए आधार ऑनेस्टी रहता है। परिवार का आधार ऑनेस्टी है और एक इंसान की कामयाबी का आधार भी ऑनेस्टी है। और जितने भी धर्म हैं वो सब ऑनेस्टी का जो अपोजिट है बेईमानी, उसको पाप मानते हैं। यानी पूरा जो इंसानियत ही ऑनेस्टी पे टिकी हुई है। ये इतनी बड़ी चीज है, ऑनेस्टी इतनी बड़ी चीज है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऐसे आज के टाइम पे हम बात करें तो सबको एकदम से क्या थोड़ा सा चेहरे पे हंसी आ जाएगी, अरे ऑनेस्टी कैसे जिएंगे ऑनेस्टी को फॉलो करके, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत एक इंसान के इसमें ऑनेस्टी का जो कैरेक्टर है, ये जो खासियत है, ये बचपन से इसका बिल्डअप होता है परिवार से, और परिवार के बाद स्कूल में। परिवार में बच्चे को सिखाया जाता है कि माँ बाप से झूठ नहीं बोलना, आपको ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल माँ बाप से बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी दिखानी है अपने परिवार में। फिर स्कूल में जाके सब लोग बोलते हैं ऑनेस्ट रहिए। अब ऑनेस्ट इंसान के कैरेक्टर्स के स्कूल में वो क्या सीखता है, वो उसकी मॉरलिटी स्ट्रांग रहती है, उसका बिहेवियर अच्छा रहता है। जो ऑनेस्टी को अपनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं, वो लोग मॉरली स्ट्रांग रहते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने ऑनेस्टी को अपना लिया, उसमें और ये सारे गुण आ जाते हैं। तो ऑनेस्टी ये आप समझ लीजिए परिवार का आधार है, समाज का आधार है, देश का आधार है, और पूरे इस विश्व का आधार है। और अभी हमारा जो ऑन पैसिव है वो उसका आधार ही ऑनेस्टी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको करप्शन फ्री इंटरनेट सिस्टम बनाना है। तो करप्शन ऑनेस्टी रहेगी तो ही करप्शन फ्री रहेगा। तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या अच्छे कैरेक्टर्स का हमारे जो टॉपिक्स सारे हैं वो क्या है, हमारा हमको एक बहुत ही मजबूत इंसान मॉरली बना रहे हैं, हमारी ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो ऑन पैसिव का आधार है। ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने के लिए ही ऑन पैसिव आई है पूरे दुनिया में। और जो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देगा उसके पास ये जो है वैल्यू उसकी बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स एप्पल्स आ ही जाएंगे। ये चीज को समझना है कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे कि पूरा विश्व आपका साथ दे, पूरी दुनिया आपका साथ दे। तो एक समाज में, एक परिवार में जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक इंसान को मिलता है वो है कि यह ऑनेस्ट इंसान है। ये कॉम्प्लीमेंट एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाता है समाज में। ऑनेस्टी बहुत बहुत बड़ी चीज है, और इसको मेंटेन करने के लिए मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही इसको मेंटेन कर पाता है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, कई बार अगर हम बचपन से देखें तो हमारा मन खेलने कूदने का है, माँ ने बोला है पढ़ाई करो तो हम नहीं 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 तबीयत ठीक नहीं है, तो भी कुछ बहाना लगा के पढ़ाई नहीं करनी है। तो वो एक चीज होती है कि तो हम वो बचपन से ही ऐसा रहता है कि मस्ती करने का मन, मम्मी अलाउ नहीं करेगी तो फिर ऐसे बहाने बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर में ये रहता है कि भाई मार के डर से, डांट के डर से हम ऑनेस्टी को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स को ख्याल रखना है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, कि भाई अगर जैसे देखा कि
बहाना बना दिया है पढ़ना नहीं है, तो बेटा साफ कहो कि मेरा नहीं पढ़ने का मन है आपके साथ जबरदस्ती, ठीक है आप थोड़े देर के लिए रिलैक्स हो लो, ये कर लो, ये ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो एटलीस्ट विद पेरेंट्स। ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते, कम से कम माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो हमेशा आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं और आपके साथ पूरा जीवन भर उनका साथ रहता है। कोई भी साथ छोड़ दे, पेरेंट्स नहीं साथ छोड़ते, और पेरेंट्स को अपने बच्चों की कामयाबी ही चाहिए। वो ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो उसको देखकर खुश होते हैं, उसकी सक्सेस को देखकर। तो सक्सेस का जो बेस है वो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बिना सक्सेस मिलती ही नहीं है। जो डिसऑनेस्टी का रास्ता पकड़ के सोचते हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, वो सक्सेस बहुत लिमिटेड टाइम का रहता है। डिसऑनेस्टी के रास्ते से जो हम सक्सेस हासिल करते हैं, या सिंफुल तरीके से, अगर हम अभी सभी जगह रिलीजियस टाइम चल रहा है, सिंफुल तरीके से हम सक्सेस पाते हैं, तो वो सक्सेस कभी टिकती नहीं है। वो सक्सेस हमेशा थोड़े टाइम की रहती है, क्षण भंगुर जैसे बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो सक्सेस चली जाती है। अभी ऑनेस्टी को बचपन से कई फैमिलीज में रहता है कि ऑनेस्टी आपको, पूरा फैमिली का ट्रेंड रहता है, वो बच्चे में आता है, बड़े तक वो मेंटेन रहता है। लेकिन हम इसको एनवायरमेंट में ट्रेन भी कर सकते हैं ऑनेस्टी को बार बार। जैसे डिसिप्लिन लाइफ जीना है, जो लोग आर्मी नेवी में, मतलब डिफेंस में जाते हैं, उन लोगों को सबसे पहले यही चीजें सिखाई जाती है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है, जो जो उसके कैरेक्टर्स हैं, पंक्चुअल रहना है, तो उनके अंदर अपने आप ऑनेस्टी डेवलप हो जाती है। किसके? देश के प्रति, देश के प्रति, दे वेरी ऑनेस्ट फॉर देयर नेशन। तो ये तरीके हैं एक इंसान को हम ऑनेस्ट बनाए, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अभी ये समझ लीजिए, जितना भी समय हमारा ऑन पेसिमियंस का निकल रहा है, ये हमको मजबूत किया जा रहा है मेंटली मॉरली, कि हम पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी तभी स्प्रेड कर सकेंगे जब हम ऑनेस्ट रहेंगे। और ऑनेस्टी के ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जो बंदा होना, वो मॉरली बहुत स्ट्रांग रहता है, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, मतलब वो हर जगह पसंद किए जाते हैं लोग। अगर हम कहीं ना कहीं अपने ये कैरेक्टर्स डेवलप कर लें कि हम डिसिप्लिन्ड रहें, पंक्चुअल रहें, और हमेशा सच बोलें, तो ये जो हमको सिस्टम जो हमारा ऑन पैसिव प्रमोट कर रहा है, हम कि भाई ह्यूमैनिटी जो वो प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से उस सिस्टम को हम निभा पाएंगे। अब इसमें जो एक बात कही जाती है कि ऑनेस्टी का इम्पोर्टेंस, एक तो हो गया कि क्वालिटीज, एक हो गया कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस तो है ही, वो इंसान स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएगा। सबसे मजेदार जो चीज है, जो ऑनेस्ट इंसान है, वो एकदम स्ट्रेस फ्री जिंदगी, ये बेनिफिट्स हैं ऑनेस्टी के। हेल्दी लाइफ, आपका सेहत अच्छी रहेगी, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। और सक्सेस के लिए जो हम बोलते हैं ऑनेस्ट, जो इंसान पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, वो अपने आप सक्सेस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप लर्निंग हैबिट रहती है। कहीं ना कहीं सक्सेस करने पाने के लिए आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। तो ऑनेस्ट इंसान का ये भी एक क्वालिटी है, ही इज ऑलवेज रेडी टू लिसन, सुनने के लिए राजी है। तो जो सुनने के लिए राजी है, वो सीखने के लिए राजी है, जो सीखने के लिए राजी है, वो तो उसको सक्सेस आनी ही आनी है। तो ये बेनिफिट्स है ऑनेस्ट इंसान के इसमें। कई लोगों का सोचना है कि भाई थोड़े टाइम के लिए अगर डिसऑनेस्ट हो गए, थोड़े से इससे क्या फर्क पड़ता है। सपोज एक ट्रैफिक रूल में कई बार क्या है, थोड़े से टाइम के लिए कि हमने हेलमेट नहीं लगाया तो देखा एक्सीडेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, रॉन्ग साइड ले लिया तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये छोटा सा है आदत कि क्या हो गया,
लेकिन मैंने देखा है कि ये एकदम एग्जाम्पल है हमारे फैमिली फ्रेंड के, कि उन्होंने सोचा कि भाई स्कूटर पे जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी यहाँ घर से मुश्किल से 5 मिनट के लिए जाना है, मिठाई लेके आनी थी तो लेके आ जाते हैं, और वो लेके निकले, रोड पूरी खाली है, पता नहीं कहाँ से ट्रक आया, उनको स्कूटर पे हिट कर गया और उनका पूरा स्कल में फ्रैक्चर आ गया, हेलमेट नहीं पहना था। तो कुछ चीजें होती हैं, एक अगर हमारे हैबिट में आ जाए कि हमको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, इट्स गुड फॉर आवर लाइफ, वो उसमें आ जाता है जो ऑनेस्ट इंसान है। नहीं, रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग फॉलो करते हैं, और ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे लाइफ में हमको बहुत बहुत यूजफुल है। ये मतलब सबका बेस है, आधार है, रिलेशनशिप का आधार है। आपको अगर ट्रस्ट है अपनी फैमिली मेंबर्स पे, तो आप निश्चिंत होके रहेंगे वो कहीं भी आए जाए ऑनेस्ट। हाँ भाई, हमारे फैमिली मेंबर्स ऑनेस्ट, कहीं भी आए जाए, कोई आपके घर आए जाए, आप निश्चिंता से रह सकते हैं, आपको कोई वॉच रखने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना। लेकिन आज के टाइम पे जैसा माहौल हो गया है, लोगों की ऑनेस्टी पीछे से छूट गई है, कंफर्ट जोन के लिए कई बार ऑनेस्टी को छोड़ देते हैं, और वो उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट। जितने भी आज समाज में कुरीतियां हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि ऑनेस्टी नहीं है वहां पर। ऑनेस्टी का आज के टाइम में पूरी दुनिया को करप्शन फ्री बनाने के लिए, देश को करप्शन फ्री बनाने के लिए, या आपका कोई भी सिस्टम है वहां से करप्शन हटाने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि बेसिक वैल्यू जो है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कह लीजिए, मोरालिटी कह लीजिए, तो ये इसको हमें प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, एक अच्छे खुशहाल परिवार के लिए, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए। मतलब खुशहाली जो होती है ना जिंदगी, वो ऑनेस्टी से ही आती है। आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, आपके लाइफ में ऑनेस्टी है, तो आप क्या है फिर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? ऑनेस्ट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपके जीवन में भी ऑनेस्ट लोग आएंगे। तो ये जो ऑनेस्टी का जो वैल्यू है, वो हमें अपने बच्चों को, अपने आप में और समाज में हर जगह इसको बढ़ावा देना है, और इसके लिए जितना भी जो भी कुछ कर सकते हैं, मतलब शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ती है, शुरुआत हमेशा अपने आप से हमें करनी है। आज से हम कर सकते हैं, कुछ कुछ हैबिट्स हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं अपने इसमें, ट्रैफिक रूल्स के स्पेशली जब हम ब्रेक करते हैं, तो हम अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि नहीं, हमको ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। खासकर वो बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स लोग किस तरह से ड्राइव करते, फिर वो भी वही चीज फॉलो करते हैं आगे। तो हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी है, वो एक ऑनेस्टी वहां पे आती है, वो आप अपने लाइफ के लिए ले रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो। एंड ऑफ कोर्स जब आप रॉन्ग टर्न्स नहीं लेंगे, तो वो दूसरे की जिंदगी भी बचती है। कई बार रॉन्ग साइड से जो गाड़ी आ रही होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी भी गई और दूसरे की भी गई। तो ये ऑनेस्टी का हम खुद से शुरुआत करें, एक प्रॉमिस ले सकते हैं आज हम, कि खुद को हमें पता है हम कहाँ कहाँ ऑनेस्टी नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम अपने इसके लिए बच्चों को ये बात नहीं बताते, हमने झूठ बोल दी, लेकिन उस चीज को हमें हैंडल करना है। परिवार में किस तरह से खुद भी ऑनेस्ट रहना है, बच्चों को भी ऑनेस्टी सिखानी है। सिस्टम हम कहीं पे भी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कहीं पर, जो बच्चे मैक्सिमम देखते हैं अपने बच्चों को पेरेंट्स, तो वो है ट्रैफिक रूल्स, उसको हम फॉलो करें, बच्चा भी क्या बोल फॉलो रहे करेगा। और समाज में धीरे धीरे जब हम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो समाज में ऑनेस्टी अपने आप बढ़ती है, और हम सभी के लिए एक ह्यूमैनिटी का जो संदेश ऑन पैसिव देना चाहता है, वो ह्यूमैनिटी का संदेश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स जाता है बहुत स्ट्रॉन्गली। उसके बिना ह्यूमैनिटी फॉलो ही नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी सब और लोगों सबको मैं सुनना चाहूंगी।
तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना. ओवर टू चंपा मैम. थैंक यू गायत्री जी, गायत्री नहीं सीमा जी. एक्चुअली बहुत अच्छा बात बोले आपने. बहुत जो हमारे जिंदगी में जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए. जो हम अपने बच्चे को जो सीख देंगे वही, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य है, तो वो सीख बच्चे भी सीखेंगे. लेकिन पहले खुद से शुरुआत करना है. जो हमें जो ऑनेस्टी, वो हमें खुद से शुरुआत करना है. तभी ना हम दूसरे का सोचेंगे ना. हम अगर ऑनेस्ट रहे तो अगर दूसरे लोग ऑनेस्ट के उसके विषय में हम उनको बोल सकते हैं जी आप भी ऑनेस्ट रहिए. अगर खुद नहीं रहेंगे तो दूसरे को हम क्या सीख देंगे. बहुत अच्छी बात बोले आपने. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो मैं, बहुत सारे लोग हैं तो हमारे शाइन जी, आप क्या अवेलेबल हो? जी बिल्कुल मैम. तो सीमा जी के बात पर कुछ बोले आप. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच संपा मैम. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड इवनिंग टू ऑल जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं. आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नए लोग यहाँ पर आए हैं और मैं सभी का वेलकम करूंगी आज के इस प्लेटफॉर्म पर. और संपा मैम आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम होस्टिंग है तो आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है. विकास सर तो खैर धमाली मचा रहे हैं हमेशा से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपको इनवाइट किया. और सीमा मैम के लिए अगर मैं बात कहूँ तो वाकई में वो बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से जब वो बात करती है ना, समझाती है कुछ भी, तो उनकी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, दिल में आती हैं और बिल्कुल ऐसा बहुत ही स्मूथली बताती हैं कि आपको ऐसा करना है, जैसे हम लोग आप लोग सिंपली एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं. तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी हमेशा, जैसे अभी सीमा मैम ने भी कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर ऑनेस्टी लाइए, ईमानदारी लाइए. अगर आप ईमानदार हैं, वैसे एक कहावत मैंने सुनी है, जैसे ऐसे ना एक हमारे नोन टू थे वो बोलते थे, पता है क्या मतलब, लोगों ने ऑनेस्टी की जो वैल्यू है वो कैसे गिरा रखी है. कहते हैं मेरा भारत महान, 100 के 100 बेमान. अगर आप ऊपर से उठ करके देखिए, मतलब ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए बोली कि देखिए ऑनेस्टी इतना प्यारा वर्ड है, इतनी प्यारी इसकी मीनिंग है कि अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो हम अपने हर लाइफ के हर मोड़ पर जो है, हर कदम पे हमारे साथ हमारी कामयाबी होगी. लेकिन जो लोगों की सोच है वो क्यों है ऐसी, क्योंकि आज हमारे पॉलिटिक्स में देख लीजिए कितना बुरा हाल है कि अगर उन्होंने ये सेंटेंस बोला भी था तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स को देख करके, कि देखिए लोग पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इतना बेमानी करते हैं कि देश के लिए इतना पैसा आता है, लाइक दिस, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने एक बार हमें बोली तो वही बात मेरे माइंड में एक बार में क्लिक करी कि ये इस तरह से बोल रहे हैं. चलिए खैर ये तो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ बताने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए जैसे अभी बहुत सारी बातें बच्चों को लेकर के की, क्योंकि बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना. क्या पेरेंट्स खुद झूठ नहीं बोलते? फोन आता है बोल दो घर पे नहीं है, कोई गेट पर आ गया पापा को बुलाने बोल दो घर पर नहीं है. तो शुरुआत तो हम ही कर रहे हैं, ईमानदार तो हम खुद नहीं है, हम क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे. लेकिन हाँ अगर आप खुद ईमानदार हैं, खुद आप ऑनेस्ट पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आपके घर का जो माहौल होगा ना वो पता चल जाएगा. और वो कहावत है ना, कहते हैं कि बच्चों के पैर जो है पालने में पता चल जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है. क्योंकि जब हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम ट्रीट करें, अगर हम झूठ बोलें तो डेफिनेटली वो कितना भी हम उसे रोकेंगे ना कि झूठ नहीं बोलना बेटा, सीधा बोलेगा आप तो खुद बोलते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है. और इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बैठने का मतलब ही यही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, यहाँ नई दिशा में जो हमें डॉक्टर मोदी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है. तो यह छोटी छोटी चीजें जो हम अपने अंदर चेंजेस लानी चाहिए. अभी ऑन पैसिव में हम लोग हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. मिस्टर ऐश अगर ऑनेस्ट ना होते तो क्या 14 लाख लोग होते उनके साथ? नेवर एवर, कोई भी नहीं होता. वो पैसा लेके बैठ जाते, कब की कंपनी बंद हो जाती, कितनी कंपनी आती है और कितनी चली जाती है पता भी नहीं चलता. आया पैसा लिया, 4 महीने में गायब, 6 महीने में गायब. लेकिन यहाँ लगातार 4.5 साल अगर आप आज ऑन पैसिव में हैं, तो रीजन इज ओनली ऑनेस्टी. ऐश सर कहते हैं मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले आई डोंट केयर. और लगातार आप ऑन पैसिव की प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, कितना जबरदस्त प्रोग्रेस है.
एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। माँ ने ना अपने बेटे को लड्डू दिए। अब बोला बेटा ऐसी जगह जाके खाओ जहां तुम्हें कोई ना देखे, ऐसी जगह जाके खाओ ये लड्डू जहां तुम्हें कोई ना देखे, कहीं तुमसे कोई ये लड्डू मांग ना ले। ये माँ की बात इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट माँ ने बच्चे को टेस्ट किया। ये स्टोरी मैंने एक स्कूल की किताब में पढ़ी थी, मेरे बेटे की स्कूल की बुक में थी। तो उस बच्चे ने बोला, वो बेचारा इधर उधर गया, कमरे के पीछे गया, पर्दे के पीछे गया, मतलब उसने कोशिश की कि मैं कहीं छुप के ये लड्डू मैं खा लूं, मेरी माँ ने बोला है। वो इधर उधर जब सब जगह गया, उसको कहीं समझ नहीं आया। उसने बोला, मम्मा मैंने बहुत कोशिश तो की छुपने की, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, मैं कहाँ छुपूं। तो यहाँ पर उसने जो छुपने से जो मतलब था उसका ये था कि इंटेंशन ये था कि आपको पता चले कि वो बच्चा कितना ईमानदार है, उसको ये बात पता है कि मुझे, मैं अगर चोरी भी कर रहा हूँ तो भी मुझे ऊपर वाला देख रहा है। तो उसके अंदर एक ऑनेस्टी बचपन से आई। और ये किताबों के थ्रू बच्चों को इसीलिए ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज बताई जाती हैं ताकि बच्चों में वो वाली चीजें डेवलप हों और वो अपनी जिंदगी को जो है अच्छे ट्रैक पर लेकर के आए और इस तरह की चीजों से बचें कि हमें झूठ बोलना है या हमें किसी से कोई बात छुपानी है। बहुत बार ऐसा होता है ना, घर में हम कुछ लेकर आए, अरे आंटी को मत बताना बराबर वाली, या चाची को मत बताना, कुछ भी ऐसा। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि इस तरह की बातें जो है बोल दी जाती है। लेकिन एक चीज ये भी कहते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है दोस्तों जिंदगी में, तो कहते हैं ना इसको पूरा करो और पूरी ईमानदारी से करो। अगर नहीं कर सकते ईमानदारी से तो उस काम को आप छोड़ दो। अगर हम यहाँ आज बैठे हैं एज अ डेडिकेटर्स, हमारा नाम है, तो डेडिकेटर्स वर्ड इतना आसान नहीं है। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, आपको डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ता है, आपको उस लेवल पर जाना पड़ता है दोस्तों जहां पर दिखे कि आप जो है बिल्कुल ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए, अपने जो भी आपके एफर्ट्स हैं आप वो पूरे कर रहे हैं। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर मोदी आज यहाँ हमारे बीच में नहीं है कि वो थोड़ा बिजी है, उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, आप लोगों को पता है। लेकिन क्या हम अपनी ईमानदारी से इस सेशन को कर सकते हैं? और कर रहे हैं, लोग भले ही कम ज्यादा होते रहते हैं, नो इशू। ऐश ने कहा ना, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऑन पैसिव अपनी जगह चलता रहेगा। ऐसे ही दोस्तों ये डेडिकेटर्स नई दिशा चलता रहेगा, चलता रहेगा और सिर्फ चलता रहेगा, और पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इस वक्त सारे लोग हैं, जितने भी हमारे डेडिकेटेड लीडर्स हैं वो सब ईमानदारी से यहाँ पर हैं। और देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे नए लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ओ इंदु मैम वेलकम है आपका, मैंने देखा कि इंदु मैम है या अमर सर है या फिर ये हमारे बीकानेर सर हैं। तो ये लोग जो हैं इतना हमें सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें अब इन इनसे ही सीखना है। मैं शायद ज्यादा वक्त ले गई क्योंकि बस मुझे लगा कि छोटी सी बात है, हमें हमें ईमानदारी से काम करना है। तो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डेली आना है। कोई आता है वेल गुड, नहीं आता हम तो हैं, हम अपनी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। मैटर नहीं करता कि सामने वाला आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें अगर हम 10 लोग भी हैं तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके सो वेल डन टू ऑल, और बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टार्टअप किया है, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करें प्लीज। ओवर टू यू संपा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शायन जी, आप बहुत अच्छे बोले, क्योंकि ऑनेस्टी के ऊपर हम सब जो ईमानदारी से काम करना है हमें, और जो हम काम कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, उसे वो बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, तो दरिया नेकी करो दरिया में डालो, फिर जिसको देखना है वो जरूर दिखेगा, हमको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इधर, हमारे इधर पंकज पटले जी आए हैं, मैं उनको थोड़ी देर के लिए बुलाना चाहती हूँ, नया है हम, विकास जी आपको उसके बाद बुलाएंगे। अरे 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 चंपा मैम, बड़ी अच्छी आपने कहा बात कह दी कि पंकज जी नए हैं। पंकज जी तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे बीच में, वेलकम है पंकज जी आपका। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू साइन मैम, आपने मुझे इतना मतलब इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू डिजर्व इट सर, यू डिजर्व इट। सभी लोग ऑन पीएससी में जितने भी हमारे फाउंडर्स है सभी समान है, कोई ओल्ड नहीं कोई गोल्ड नहीं, सभी एक समान है और ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं। अगर अभी आप बताएं 6 बजे का सेशन है, कई लोगों का ऐसा समय होता है कि जॉब पे होते हैं कहीं भी मतलब वर्किंग में होते हैं, फिर भी अगर यहाँ पे हैं तो एक ये ऑनेस्टी की एक निशानी है, एक ऑन पीसी के प्रति ईमानदारी की निशानी है। तो ऑनेस्टी इसको बोलते हैं डेडिकेशन के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो कभी भी असफल नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है
अपने गोल या अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है ईमानदारी के साथ, ऑनेस्ट के साथ, ये हमारा मकसद होना चाहिए, तो वो काम कभी असफल नहीं होता। सफलता की कुंजी में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, उन बाधाओं को कैसे रोका जाए, उन बाधाओं को कैसे रोका जाए वो आप देख सकते हैं, और या उस रास्तों पे हमें कैसे चलना है, उस बाधा को कैसे पार करना है यह हमें सीखना होगा। यही हमारी ईमानदारी का एक सफलता या मूल मंत्र है, क्योंकि ईमानदार से किया हुआ काम आप सभी को पता है कि हम जैसे अभी साइन में हमने कहा ना कि घर पे पापा होते हैं, बेटा फोन उठा ले ना, पापा नहीं है, मम्मी को बोलो कि अभी मम्मी को पूछते तो मम्मी नहीं है, खाना बना रही है, अगर मान लो पास में भी है तो भी बोलेंगे खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये हम लोग अब जो है ना ईमानदारी का जो पाठ पढ़ाते हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं कभी कभी गलत होते हैं। तो ये चीजें मैंने ऑनपीसी में आने के बाद अपने आप को बहुत सुधारा है, क्योंकि मैं एस सर की जो बातें होती हैं, जो उनके ऑनेस्टी पिछले साढ़े चार साल से, यार हम तो इस प्लेटफॉर्म में 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से हम डेडिकेशन के साथ इसमें काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ वर्क कर रहे हैं। चाहे जैसे कहा ना कि साइन में हमने कि चाहे 10 लोग भी आए, ये नई दुनिया ये प्लेटफॉर्म चलते रहेगा, बिल्कुल चलते रहेगा। आप ईमानदारी और डेडिकेशन और अपने काम को सफल अंदाज सफल रूप से करते हैं, आज आप यहाँ 65 लोग है ना, यहाँ 65,000 लोग भी दिखेंगे इन फ्यूचर में आपको। तो यही है एक डेडिकेशन और ऑनेस्टी, मैं सबको यही एक शब्द कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी के साथ अपना OES को लॉगिन करें, OES को लॉगिन करने के बाद ही वो फाउंडर में जाए। और जितने आज मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया है मैम, मैं पिछले 2 साल से उनको समझाते 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 थक गया था, आज उन्होंने OES में रजिस्ट्रेशन किया, मतलब अभी जब फाउंडर के बाद OES आया तो बोले पैसा दे दिए, सब कुछ कर दिया, वो फाउंडर भी बन गए, बट उनका एक ही कहना था पैसा आएगा तब जाके OES में रजिस्ट्रेशन करूंगा। मैंने बोला भगवान OES में अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तो आपको वहाँ पे इन फ्यूचर में आपको फंड दिखेगा या पैसा दिखेगा। तो आज उन्होंने एक मतलब रजिस्ट्रेशन किया OES में इतने दिन बाद, तो मैं बड़ा खुश हूँ, आज का दिन मेरा सफल हुआ ऐसा मैं समझता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, बहुत लोग हैं। थैंक यू चंपा मैम, आपने आपकी होस्टिंग आज मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त सुपर फैंटास्टिक, और आज आप हमारे किंग टाइगर का भी हिस्सा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं पंकज जी के बारे में बताऊं एक बार, पंकज जी सबको लेके साथ में लेके चलना चाहते हैं, वैसा अगर उनके टीम में जो है जब तक वो नहीं आएंगे ना तब तक उसको कॉल करके बुलाते रहेंगे, क्योंकि वो अकेला कोई काम नहीं करते, जितने भी उनके टीम में है सबको लेके काम करता है। ये जो एक उनके अंदर मैंने देखा है ना, ये कहीं नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने कई काम भी अपना वेबिनार की कोई काम अकेले नहीं करते, सबको बुला के साथ में लेके काम करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू पंकज जी। और विकास जी वेलकम, विकास श्रीवास्तव डॉक्टर आइए। ओके, थैंक यू संपा मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया और टॉपिक बहुत अच्छा है, सीमा मैम ने बहुत अच्छा उसके साथ नए संगत उनको इन बातों को डिलीवर किया जिससे हम सभी लोगों ने सीखा, और वाकई में साइन मैम ने भी और रईकी कसर जो भी था सब पूरी कर दी। और वाकई में देखा जाए तो ये ऑनेस्टी का जो गुण है ये हम सभी के अंदर होना चाहिए, जबकि ये कठिन है, इसको अपनाना बहुत कठिन है, और क्योंकि क्या है कि इसमें एक सच का भी बोध होता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम सच का साथ देंगे या सच को एक्सेप्ट करेंगे तब हम क्या है ऑनेस्टी को अपना पाएंगे, ऑनेस्टी के साथ कोई वर्क कर पाएंगे। और सच के साथ है क्या है, एक चीज और आती है कि कमिटमेंट या समर्पण वाली बात आ जाती है, तो ये सब भी हमें उसके साथ रखना है। तो अगर हमारे पास सच है, हमारे पास हम कमिटेड हैं या हमारे पास समर्पण है, तो हम ईमानदारी का अच्छी बखूबी निर्वहन कर लेते हैं।
और ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे आत्मिक विकास के लिए, हमारे चारित्रिक विकास के लिए। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर, कहते हैं ना, सच साहस का प्रतीक होता है, तो जाहिर सी बात है जब आपके अंदर, देखिए कोई भी चीज है, अभी जैसे सीमा मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने कह देते हैं, या साहिन मैम ने भी ऐसे ही कुछ प्रकाश डाला, तो वाकई बात सही है। इन बातों में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार हमें ये परिवार से मिलते हैं, हमें हमारे समाज से मिलते हैं, तो हमें एक ऐसा आचरण करना चाहिए जो हमारी जनरेशन से, जो हमको फॉलो कर रही है आने वाले में, क्योंकि यही जनरेशन आगे बढ़ के एक राष्ट्र का भी निर्माण करेगी, एक अच्छे मजबूत एक स्तंभ बनेंगे। तो निश्चित ही हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, और सफलता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ऑनेस्टी को अपनाना पड़ेगा। और एक ये वर्ड आता ना झूठ, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमें हमारे, देखिए पहले जो चीज है कि हमारा चरित्र गिरा देता है, दूसरी चीज के हमारे अंदर वो एक कमजोरी का भाव होता है, तो उतने साहस से हम एफर्ट ही नहीं डाल पाएंगे। तो निश्चित ही है इसको हमें अपनाना है। और बात करते हैं, जैसा कि पंकज सर ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की, कि बहुत से लोग हैं कि इको सिस्टम में अभी भी नहीं आ रहे हैं, और एप्पल्स और ये सब सारी बातें, ऐसा सभी को ही फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए एक ईमानदारी यहाँ पर भी है, आपको क्या खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने सपनों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होगा, आपको ऑन पैसे के विजन के प्रति ईमानदार होगा होना होगा, आपको कनेक्ट जितने भी हमारे टूल्स आने वाले समय में है, या इंटीग्रेटेड है, ओनेट ओटीन, सबके प्रति ईमानदार होना होगा। क्यों ईमानदारी दिखानी होगी, हमें इसकी नॉलेज लेनी है, हमें इसका विजन क्लियर करना है। तो ये हमारा खुद का एक कमिटमेंट हमसे होना चाहिए, खुद के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। बात हमारे सपनों की है, बात हमारे भविष्य की है, बात हमारे परिवार की खुशियों की है, तो यहाँ पर हमें क्या है, ईमानदारी बिल्कुल अपनाना चाहिए। और कहते ना कि ईमानदारी से किया गया कोई प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है। और ठीक है, मानते हैं कि जैसे कहा भी गया, हम सभी ने पढ़ा है कि सत साहस का प्रतीक है, या सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो लगे रहिए, एफर्ट डालते रहिए, और पेशेंस हम सभी रख रहे हैं, मंजिल बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पर इन सब सारे गुण को हमें आत्मसात करना बहुत जरूरी है, और मेरा सभी से अनुरोध है कि ये चीजों को अपनाएं, ऑनेस्टी जरूर रखें। यदि ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ सारी चीज, लेकिन हाँ, एक सीखने का प्रयास है। और जीवन में जो लोग भी आगे बढ़े हैं, या जिन्होंने भी जो भी सफलता पाई है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऑनेस्टी रही है। और सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर कहीं कुछ सीखने सिखाने की बात आती है, तो हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मोहरा साहब है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितने भी टॉपिक हमारे नई दिशा के माध्यम से चल रहे हैं, एक एक टॉपिक उनके प्रति पूरा एग्जाम्पल है। तो हमारे पास एक रोल मॉडल है, हम कुछ ना सही, हम अपने रिस्पेक्टेड सीईओ एस मोहरा साहब को ही अगर कॉपी कर लेंगे, तो भी वो क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी पैनल पे और सभी लोग हैं, और निश्चित ही अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं दिल से थैंक्स कहूंगा सीमा मैम को, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया, और संपर्क मैम आपकी भी होस्टिंग बहुत ही अच्छी लगी, और बाकी अभी और सब पैनल्स को सुनना है, और पंकज सर आपकी भी शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बैक टू संपर्क मैम। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छी बात बोले आपने, रियल में ग्रेट यही होता है ना, जो वो प्रोफेसर की बात रियल में सच में। शाइन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? बिल्कुल संपा मैं मैं बात करूंगी, आप मुझे लास्ट में बुलाइएगा जरूर, लेकिन यहाँ पर मतलब आपने बोला है तो इतना जरूर बोलूंगी कि जैसे पंकज जी यहाँ पर अगर अवेलेबल हैं, तो मैं इतना बोलूंगी पंकज जी आप भी अपनी टीम को यहाँ पर जरूर लेकर के आइए, क्योंकि देखिए इस वक्त वो टाइम चल रहा है ना, जैसे कल गुस्मदर सर ने भी कहा कि इस वक्त बिल्कुल पीक आवर्स चल रहे हैं, और हम सबको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Nobody is perfect, but जैसे कहते हैं ना, विकास सर ने भी बोल दिया कि हम बहुत ईमानदार नहीं है। नहीं विकास सर, वी आर द ऑनेस्ट पर्सन, वी ऑल आर ऑनेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर हैं आज की डेट में। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, लास्ट में एक बार जरूर मुझे इन्वाइट कीजिएगा प्लीज, अभी आप कंटिन्यू कीजिए, और पैनल से भी बुलाइए एक एक, और एक एक जो है हमारे जितने भी गेस्ट है उनमें से बुलाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हाँ, मैंने अभी हमारे पुराना साथी विकास जी को बुला लिया, अभी कुलवंत सिंह जी हैंड रेज किया था बहुत देर से, प्लीज वेलकम, आप आइए। थैंक यू संपा मैम, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और सीमा जैन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब होता है कि ईमानदार होना, न कि ईमानदार दिखना, क्योंकि आजकल दुनिया में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, होते नहीं है बिल्कुल। और ईमानदारी के सबसे है कि अपने झूठ बोलते ना, झूठ बोलने का सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें वो याद रखना पड़ता है, और ईमानदारी है आदमी को याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले की भी अगर ईमानदार आदमी तुमसे कोई बात पूछ लो, वो बता देगा ये बात थी, और झूठ वाले को सोचना पड़ेगा कि यार 10 साल पहले मैंने उस बात को छुपाने के लिए पता नहीं कौन सा झूठ बोला था। तो बिल्कुल, इसलिए वो
और ईमानदारी की सबसे बड़ी चीज है कि अब ईमानदारी के अंदर दृढ़ता और वचनबद्धता होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और एक ईमानदार आदमी का हमेशा करेक्टर बहुत ऊंचा होता है, बिल्कुल करेक्टर अच्छा रहता है। और अपनी और झूठ बोलने वाला आदमी अपनी विश्वसनीयता है ना वो खो देता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। एक बहुत पुराने टाइम की बात है, एक किसान था, वो अपने खेत के अंदर पशु वगैरह रखा करता था और मक्खन निकालता था। तो शहर से एक बनिया आता, उसके पास मक्खन खरीदने के लिए आता था। वो डेली एक शेर मक्खन लेके जाता था, वो उसको दे देता था और डेली यही चल रहा था। तो उसको एक दिन बनिए के दिमाग में आई, इसका मक्खन में तोल के देखता हूँ कि ये मेरे कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है। उसने उसको तोला तो वो थोड़ा एक शेर से कम निकला। वो उसके पास गया भी, तेरा तो मक्खन कम होता है। कहता नहीं, मैं एक किलो तोल के एक शेर तोल के देता हूँ। वो नहीं विश्वास किया, वो अदालत में चला गया। तो जज ने ये पूछा, भाई आप जो ये मक्खन हो तोलते किससे हो? कहता सर मेरे पास तराजू है, मैं उसी से तोलता हूँ। तो उसे बोला तराजू में आप बाट क्या यूज करते हो? उसने कहा भी ये जो बनिया आता है ना, मेरे को डेली एक शेर ब्रेड दे के जाता है, डेली का डेली मुझे एक शेर ब्रेड दे के जाता है। मैं वो ब्रेड एक साइड में रख के उसी के बराबर इसको एक किलो तराजू में मक्खन तोल के दे देता हूँ। तो सर मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ये मेरा मक्खन कम है, इसकी ब्रेड भी मेरे पास कम आ रही है। वो इसलिए अपने जो कहते हैं ना, किसी को देते हैं ना तो वो लौट के हमारे पास वापस आता है। तो बिल्कुल झूठ का भी छुपता नहीं है। थैंक यू सब्बा मैम जो बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा कहानी बताया आपने। रियल में हम जैसा करेंगे घूम के हमारे पास वैसा ही आएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो रमला जी आप हो अवेलेबल? यस मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, देख लेना आप, ठीक है? नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितेश मोदी सर का। आज उनका तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए मैं प्रे करती हूँ बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सबके बीच आए। और सभी पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है ऑनेस्टली ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। कोई भी किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, जब तक कि वह महसूस नहीं करता है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदार होना बहुत अच्छी आदत है। वह क्या करते हैं ना, सभी के जीवन में खुशियां लाने के लिए कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, ईमानदार व्यक्ति के मन में खुशी रहती है, शांतिपूर्ण मस्तिष्क भी प्रदान करता है। बेईमान लोग किसी भी रिश्ते में विकास नहीं होने देते। वह बहुत जो बेईमान लोग होते हैं ना, उनके लाइफ में देखना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आते रहते हैं, हर प्रकार की समस्या का निर्माण भी करते हैं। ईमानदार होना बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमें अंतर से ही एक शक्ति प्रदान होती है कि हम ईमानदार है, जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और हमारे समाज में बहुत सारे मुद्दों को भी हल करती है, करने की ताकत रखती है। शुरुआत में ईमानदार होकर जो अभ्यास बनाए रखना बहुत जटिल और उलझाने वाला हो सकता है, हालांकि बाद में व्यक्ति को बेहतर मतलब राहत महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें एक मतलब ताकत ये रहता है कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार होना भी अपने आप में एक ताकत है, क्योंकि जो बेईमान होते हैं ना, उनके अंदर एक भय रहता है कि यार मैंने यह झूठ बोला है, बेईमानी किया है। पर जो सच्चे और ईमानदार रहते हैं उसके अंदर ये ताकत रहते हैं, मैं कुछ भी हो जाए क्योंकि मैंने तो सच बोला है, ईमानदारी के साथ किया है, तो मुझे कोई डरने की बात ही नहीं है। तो यहाँ एक व्यक्ति को किसी की तरह बोझ नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सही का साथ दिया है, तो हर बोझ से वो राहत और मतलब स्वतंत्रता रहता है उनके मन में। जीवन भर ईमानदार और विश्वसनीय होना बहुत अच्छा है, सच्चा है, ईमानदारी रहे। एक व्यक्ति के लिए अपने और दूसरे के लिए ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। किसी भी रिश्ते में अगर हम किसी भी रिश्ते में झूठ का और बेईमानी का मतलब रास्ता अपनाते हैं तो रिश्ता ज्यादा दिन टूटता रहता नहीं है, कभी ना कभी वो टूट ही जाना है। ईमानदारी अपने साथ बहुत सारे अच्छे गुण लाती है और अपने जीवन में बहुत जो भी स्थिति परिस्थितियां है उसमें हमको सामना करने का ताकत हमें मिलता है, जो आत्मविश्वास का सामना
करे और सक्षम बनाती है, इसलिए हमेशा ईमानदारी रहे और अपने लाइफ में आगे बढ़े, सबके साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाइए। सो थैंक यू शंपा मैम, थैंक यू रमला जी, बहुत अच्छी बात बोले, ईमानदार रहो तो जिंदगी आसान रहेगी और अपने आप खुद को भी ऐसा ताकतवर महसूस करेगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो बीरू जी, बीरू सागर, प्लीज वेलकम, आप आइए, आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? थैंक यू। मैं सभी को पहले अपनी तरफ से सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। ईमानदारी का जो अपन ने ऑप्शन जो भी रखा है, बहुत बड़ा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमानदारी अपने तरफ से खुद के अंदर रही, सब लोगों को अपनी ईमानदारी बताए, अपनी ईमानदारी नहीं है दूसरे को नहीं बता सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात कि जितने भी फाउंडर हैं सबको ईमानदार रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर ईमानदार रहोगे तभी लोग आगे बढ़ पाए, नहीं तो कोई भी झूठ बोलेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना कोई सक्सेस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। दूसरी बात, मीटिंग जो आता है ईमानदारी सब सुनना, लिखना, पढ़ना, क्यों? क्योंकि ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ईमानदारी आएगी। जो ऑनेस्टी बोला है वो ऑनेस्ट जबरदस्त, और झूठ तो कभी बोलना नहीं है। थैंक यू आप, और फल मैं सभी को नमस्कार करूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट बातें बताई जाती हैं, जो कि दिस मोदी सर ने जो भी बताया यहाँ पे, और साइन मैडम को भी धन्यवाद कि थैंक यू, थैंक यू विरु जी। विशाल जी, विशाल सिंह, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू शंपा मैम। सबसे पहले मैं कुछ कहूँ तो आज की आपकी जो अल्टीमेट होस्टिंग है उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। थैंक यू। और मैं दोस्तों, मैं विशाल सिंह, ताज सिटी आगरा, आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन व नमन करता हूँ। जैसा कि देखिए दोस्तों, टॉपिक है ईमानदारी, और ईमानदारी जो है उसका शब्द ही हमारे ईमान से होता है। ईमान इंसान को अपने अंदर से आना पड़ता है, तब ईमानदारी हम ला सकते हैं। जब तक हम अपने आप में सच्चे नहीं है तो दूसरे से भी हम ये चीजों की आशा नहीं कर सकते हैं। आज जब भी हम देखिए, सुबह से जब हम लोग न्यूज़पेपर उठाते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं कुछ फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या गबन हो गया, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें भी होती हैं जो कि हम देखते हैं कहीं कोई कुली है या कोई किसी का पर्स चोरी हुआ और वॉलेट उनको वापस कर दिया गया। तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है, ईमानदारी पर टिकी हुई है। और आज हमारे ऐश सर देखिए, निस्वार्थ ईमानदारी से आज उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को चलाया और ऑनरशिप के विजन को इतना बड़ा किया, तो वो सब कुछ ईमानदारी से ही तो हो रहा है। तो निश्चित रूप से ईमानदारी हमारे अंदर रखना बहुत जरूरी होता है। आज लोग देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आप कहीं भी जाइए, एक हलवाई के पास जाइएगा और उससे बोलिएगा कि वो मिठाई आप दे रहे हैं ये ताजा है, वो झूठ बोलता है कि नहीं ये तो ताजा है जबकि वो 3-4 दिन पहले। ऐसी सब्जी वाले दुनिया भर के एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। तो ये जो ईमानदारी वाली मिसालें हैं, आज मैं देखता हूँ कि लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं, बेईमानी ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन और बेईमानी करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे को देखिए आप, वो अंदर जो उन्होंने बेईमानी से पैसा कमाया होता है वो उनकी बीमारियों में जा रहा होता है। अकॉर्डिंग टू जो मध्यम वर्गीय है या गरीब लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको नींद अच्छी आती है। तो ईमानदार रहेंगे हम तो कहीं भी खुलेआम, कहीं भी हम कुछ ना कुछ ईमानदारी से बोल सकते हैं, कहीं भी हिम्मत से सब कुछ कर सकते हैं। तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर भी। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी बात बताए। ईमानदार रहना बहुत ही जरूरी है सबके लिए। तो राजेश सिंह जी, प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजेश सिंह, हेलो, नमस्कार। थैंक यू शंपा मैडम
आपको मुझे यहाँ पे मंच पे निमंत्रण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नीतीश मोदी सर को सबसे बड़ा नमस्कार, क्योंकि इस मंच को हम लोगों के लिए सपूत किए हुए हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर पाए और अपना एटीट्यूड, अपनी फीलिंग, अपनी सोच, अपना जो भी एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाए, उसके लिए इन्होंने जो हमें योगदान दिया है वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शाहिर मैडम, विकास श्रीवास्तव जी हैं और भी कई सारे लोग हैं, नजमा मैडम है जिनका और किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, जैसे कि ईमानदारी। ईमानदारी वो चीज है कि ईमानदारी से हम अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किंतु जो हमारी ईमानदारी है वो ईमानदारी वाकई में अपने आप अपने अंदर होनी चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि मैं आपके प्रति कितना ईमानदार हूँ या आपको मैं कितना फॉलो करता हूँ। ये दिखाने की चीजें नहीं होती है, ये जस्ट आपकी फीलिंग ही आगे बता देती है कि आप किस तरह से उस इंसान के प्रति या आप अपने काम के प्रति किस तरह ईमानदार हैं, वो आपके काम ही हर चीज को डेवलप करके बता देती है। दूसरी चीज है कि ईमानदारी पे बहुत सारे बोला, हमारे नजमा मैडम ने भी बोला, सॉरी साहिन मैडम ने बोला, अपना जैन मैडम ने बोला और विकास श्रीवास्तव सर ने भी बोला, बहुत अच्छा अच्छा बोला, वीरू सागर जी ने भी बोला कि ईमानदारी पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो सबको डिस्क्लोज किया उन्होंने। तो इसके ऊपर एक ही चीजों को अगर बताया जाए तो अलग है, लेकिन ईमानदारी पे मैं अपने टॉपिक्स पे लेके जाना चाहूंगा। अपने ऑन पैसिव को अगर ले तो ऑन पैसिव एक ईमानदारी का सबसे बड़ा मिसाल है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कंपनियां हैं और उन सारी कंपनियों में जो जैसे कि एस मुबारा सर बोलते हैं कि करप्शन को खत्म करना है, तो करप्शन को खत्म कब कर सकते हैं, जब हम खुद करप्ट नहीं होंगे या हम जब खुद हम सही से लीगल तरीके से हम किसी काम को करेंगे तभी हम किसी करप्टेड लोगों को या करप्टेड जो सिस्टम चल रहा है उसके प्रति हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये ऑन पैसिव हमारा ईमानदारी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझता हूँ। और उसके ऊपर जो सबसे हमारा एस मुफारा सर का जो विजन है, जिस तरह से सारे ह्यूमैनिटी के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, वो सारी चीजें एक के बाद एक जिस तरह से हम लोगों के अंदर भी वो भावना, वो विचार, वो जिस तरह से डेवलप करने के पीछे ये लगातार बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं जो यहाँ पे पिछले 4 साल 3 साल से जो अपना योगदान दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, ये भी एक ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें हम लोगों को समझने की जरूरत है और ईमानदारी के साथ काम करना है, ऐसा काम करना है कि किसी के प्रति कोई अंदर जो भी भावना हो वो गलत ना हो, चाहे अगला इंसान कुछ गलत भी कर रहा है फिर भी आप अपने आप में बिल्कुल ईमानदार रहें कि हमें जो करना है बिल्कुल परफेक्ट करना है। आने वाले समय में धीरे धीरे वो खुद उस इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि ये इंसान जो था वाकई में सही था। तो इस तरह से हमें अपना एटीट्यूड को डेवलप करना है और ईमानदारी का मैं यही बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आप जिंदगी के उस ऊंचाइयों को भी हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो यहाँ जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, वो घड़ी आने वाली है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ में हम लोगों को शायद वो सारी चीजें जो हमने पिछले 3-4 साल से मेहनत की है या अपना डेडिकेशन दिया है, डेडिकेशन की भी अगर बात करें तो डेडिकेशन भी एक ईमानदारी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि डेडिकेशन हम तभी दिखा सकते हैं जब हम राजेश जी टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग आए। जी जी, थैंक यू मैडम, मैं एक्चुअली ये हो जाता हूँ, एक्सप्रेस हो जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता टाइम का। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छा लगा आपके बात, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। महिमा जी आप है क्या अवेलेबल, महिमा चौहान? यस मैम, यस, थैंक यू सो मच संपा मैम, गजब की होस्टिंग आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको, थैंक यू। और आज का जो टॉपिक है ऑनेस्टी, तो देखिए ऑनेस्टी दिख रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर ईमानदारी से, टाइम से और इस पैनल पे इकट्ठा होके अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं। शेयरिंग सबकी अपनी अपने हिसाब से है और सबके अपने अपने विचार हैं। और आज मैं अपने किंग ऑफ द ऑन पैसिव
अपने एस मुफारिस सर के ऊपर मैं एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत ही शानदार और जानदार स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज सुनिएगा। संपा मैम, अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लूं तो प्लीज रोकिएगा नहीं, वरना स्टोरी का मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है। एक देखिए मैम, एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था कि हर 5 साल बाद एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, और 5 साल बाद जो व्यक्ति राजा था उसको हटा के सिर्फ नेक्स्ट किसी को राजा बनाया जाता था। ऐसे ही उस राज्य का 5 साल बाद टाइम पीरियड जो है वो चल रहा था। एक व्यक्ति था बहुत ही ईमानदार और कर्मठ, गलती से उसको उन लोगों ने राजा बना दिया। उसने, वो इतना ईमानदार था, अपने प्रति, अपनी जनता के प्रति और अपने कर्म के प्रति, उसने, क्योंकि जो व्यक्ति राजा बनता था वो ऐसो आराम में भूल जाता था कि 5 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो ईमानदार था और राजा बना, वो इस बात को नहीं भूला कि 5 साल बाद मेरे साथ भी वही होगा जो अन्य राजाओं के साथ हुआ। उसने उन 5 सालों में उस चीज पे वर्क किया कि आखिर वो राजा 5 साल बाद जाते कहाँ हैं। तो जिस जंगल में वो राजा छोड़े जाते थे, उस जंगल में उसने जाकर देखा तो वहां पे उसे बहुत सारे कंकाल मिले। उसने तुरंत दिमाग लगाया कि इसका मतलब इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो कि उन राजाओं को खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं। उसने 5 साल में उस जंगल पे वर्क किया, उस जंगल से उसने सारे कंकाल हटवाए, सारे जानवर पकड़वा के अदर जंगल में छुड़वाए और वहां पे गरीब जनताओं को बसाना शुरू कर दिया। उसने 5 साल ऐसो और आराम नहीं किया, उसने उन 5 सालों में अपना राज्य अपने लिए आने वाले टाइम में उसने अपने लिए तैयारियां की और उस राज्य में उसने गरीब जनता बसा दी। धीमे धीमे उसने वहां पे एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा राज्य बना दिया, जैसे कि हमारे एस मुफारिस सर ने यहाँ पे 14 लाख प्लस लोगों को जोड़ के एक राज्य बना दिया है और अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। उसी तरीके से 5 साल बाद उसे भी वहीं छुड़वा दिया गया, उसका वहां पे फूल माला और बड़े ही ढोल तमाशे के साथ में उसका स्वागत हुआ। इसे कहते हैं अपने प्रति ईमानदार होना। यहाँ पे व्यक्ति जब अपने प्रति ईमानदार नहीं होगा, वो आगे चल के क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ दूसरों की कमियां ही निकलता रहेगा, फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा, क्योंकि पहले खुद के प्रति ईमानदार हो जाइए। यहाँ पे तो ब्लेसर की ही लोग बेइज्जती कर देते हैं, उनको गालियां दे देते हैं। यहाँ पे पहले ईमानदारी खुद के अंदर लाइए, फिर ईमानदारी की बात करिए तो बड़ा मजा आएगा सुनने में और कहने में भी। दूसरा उसका वो देखिए, उसने जो अपना वर्क किया था अपनी ईमानदारी से, उसने यहाँ पे भी 5 साल राज किया, ऐस नहीं की पर राज किया, और उसने जो अपने अपने दिमाग से और अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मठता से जो उसने अपना राज्य स्थापित किया, गरीब जनता को बसा के वहां पे भी जाके उसने राज किया। जय हो ऑन पैसिव, जय हो एस मुफारिस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू महिमा जी, बहुत अच्छी कहानी बताई। रियल में मिस्टर एच भी ऐसे ही नया गांव, नया देश, नया दुनिया बसाना चाहते हैं। बहुत अच्छा कहानी बताया आपने, थैंक यू महिमा जी, थैंक यू। अब वंदना जी, प्लीज वेलकम वंदना जी। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए, एंड सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ आपकी होस्टिंग के लिए, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं वंदना श्रीवास्तव दिल्ली से सादर नमस्कार करती हूँ। और आज सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑनेस्टी वाकई में एक मैं तो इसको बोलूंगी कि ऑनेस्टी हमारा एक सबसे अच्छा एक संस्कार होता है ना, जो कि एक बहुत मुश्किल है निभा पाना आज के टाइम पे, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी में जो ताकत है ना, वो इंसान को बहुत बुलंदियों तक पहुंचा सकता है ना, क्योंकि ऑनेस्ट इंसान जो ईमानदार होता है ना, तो ईमानदारी रखने से, इसको अपनाने से हम समाज में एक विश्वास, एक मान सम्मान, ठीक है, और अपने आप को मतलब ये लोगों के दिलों को जीतने की बहुत बड़ी ताकत रखता है ना। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम खुद से ईमानदारी रखेंगे ना,
हम खुद पहले इसकी शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी। हम दूसरों के साथ अगर ईमानदारी से रहेंगे तो अगला बंदा भी हमारे साथ ईमानदार रहेगा ना। और सबसे बड़ी चीज वाकई में ये भी आज मतलब बहुत सही बात बोली है कि अपने आप से ईमानदारी निभाएं, क्योंकि मेरा मुझे भी लगता है कि अगर हमें अपने सपने सच करने हैं तो हमें अपने लिए अपने सपनों के प्रति ईमानदार होना सबसे जरूरी है ना। हमें रेगुलर होना, हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन लगाना। अभी जैसे हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग टाल देते हैं, अरे आज से नहीं हम कल से करेंगे, है ना, हम ठीक है अभी नहीं बाद में कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से टालेंगे तो इधर से ईमानदारी चली जाती है ना। अगर हम ईमानदार रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, है ना, तो हम अपने सपनों को आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। और ईमानदारी मतलब ईमानदारी को किसी चीज का डर नहीं होता है ना। ईमानदारी रखने से हम कैसी भी परिस्थिति हो समाज में, कैसी भी मुश्किल हो ना, हम उसको मतलब आसानी से एक निर्णय और मुश्किलों से जूझने की हमें ताकत भी मिल जाती है। तो मैं आज मतलब इतना ही अपने विचार यहाँ पे रखते हुए और थैंक यू सो मच करती हूँ आप सभी लोगों को मुझे बोलने का मौका दिया। और टाइम शॉर्ट है नहीं तो इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, टाइम शॉर्ट है, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं अभी सोनिया जी प्लीज वेलकम, अभी थोड़ा शॉर्ट में कुछ बताइए ईमानदारी के बारे में। सोनिया जी, सोनिया कुमारी। थैंक यू संपा मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी होस्टिंग के लिए। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही वंडरफुल तरीके से आप कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सभी को मेरा नमस्कार, मैं सोनिया, मैं टावा से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है ईमानदारी का, देखिए ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो सब लोगों को लगता है कि हम जितना हो सके उतना ईमानदार बन सके, अपने लिए तो बन सके और हम दूसरों के प्रति कितना ईमानदारी दिखा सकते हैं इसकी भी कोशिश हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन आज का समाज जो है इसमें कहीं ना कहीं ये है कि देखिए यहाँ पर जो समाज आजकल जो चल रहा है वो यहाँ पर ईमानदारी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर झूठ पर ही व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है, झूठ पर ही रिश्ते नाते चल रहे हैं, झूठ पर ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी भी है जिस पर कि दुनिया कायम है, ये मेरा मानना है और जितने लोगों ने भी यहाँ पर शेयरिंग की है उनका भी मानना है कि ईमानदारी है। तो देखिए ऐसा होता है जब हम दूसरे व्यक्ति को अपने प्रति विश्वास कायम करते हैं तब सामने वाले व्यक्ति आप पर अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाता है, आप पर भरोसा करता है कि हाँ आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और तभी वो आपको जो सामने वाले के पास आप काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी आपको देता है एक उस विश्वास के साथ कि हाँ आप ईमानदार हैं, आप कभी भी आपने हमारे काम के प्रति कुछ गलत नहीं किया और ना ही इन फ्यूचर कुछ गलत करेंगे। तो आप उन लोगों का कभी विश्वास मत तोड़िए जिसके प्रति आप ईमानदार हैं, तो उनका तो आप कभी तोड़ना ही मत विश्वास। जिसके प्रति भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो या अदर कोई भी पर्सन हो जिसके प्रति आप ईमानदारी है। तो संपा मैम आपके प्रति भी मुझे बहुत सारा अच्छा प्यार लगा कि मतलब आपने जैसे ही देखा कि मैं आई हूँ पैनल पे आपने तुरंत ही ले लिया उसको पैनल पे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सभी लोग यहाँ पे मुझे जानते हैं। तो देखिए ऐसा है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपनी ईमानदारी से कीजिए। सामने वाले व्यक्ति को कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो उसको लगे कि आप गलत कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने आप में कितनी ईमानदारी, ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सामने वाले तो व्यक्ति आपको कुछ भी बोल सकते हैं चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन जो व्यक्ति गलत हो तो उसको गलत ही नजर आएगा, लेकिन जो व्यक्ति सही है आपके प्रति विश्वास रखता है वो चीज आपको सही ही लगेगी और आपको एक सही गाइडेंस भी देगा कि आप इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते पर चलिए। तो ये थी मेरी ईमानदारी की स्टोरी। थैंक यू संभा मैम। थैंक यू सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात बताई। तो ऐसे बने रहिए। दिनेश जी था, दिनेश जी को दिखाई नहीं दे रहा है, विकास जी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, शायद लेफ्ट तो नहीं हो गए कहीं। रेनू जी प्लीज वेलकम। रेनू जी जी बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी आए यहाँ पैनलिस्ट उनको हमारा प्रणाम और धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। और
मैं बस एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे एक मंदिर भगवान के बगैर अधूरा लगता है और एक घर पिता के बगैर अधूरा लगता है, तो आज ये मंच मुझे ना अपने डॉक्टर मोदी के बगैर बड़ा अधूरा सा लग रहा है। मैं गौर से प्रार्थना करूंगी भगवान उन्हें बहुत जल्दी से अच्छा कर दें, अब वो हमारे साथ आए और हम सबको एक नई दिशा दें। और थैंक यू सो मच मैम, मैं यहाँ सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, ईमानदारी। तो ईमानदारी तो हमारे साथ हर रिश्ते के प्रति होनी चाहिए और हर वर्क जो हम काम करते हैं उसके साथ भी हमारी ईमानदारी फुल होनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं होगी तो ना तो कोई रिश्ता हम निभा पाएंगे ठीक से और ना ही कोई वर्क कर पाएंगे। अभी जैसे हम अपनी ऑन पैसिव कंपनी में है तो हमारा पूरा फर्ज है हम सबका कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से, सच्चाई से अपनी ऑन पैसिव कंपनी को के साथ काम करें और हम सब उसको आगे बढ़ाएं और साथ में रह के एक साथ सबकी एक दूसरे की सुन के मतलब आपस में मिलजुल के बात करें। कहते हैं ना कि ज्ञान की पुस्तक का ईमानदारी का पहला अध्याय है ना? तो हम ईमानदारी के बिना बहुत, कहते हैं ना कि अगर 100 लोग गलत हैं और एक इंसान अगर सच्चा इंसान ईमानदार इंसान एक अगर खड़ा है, एक 100 अलग खड़े हैं और एक ईमानदार अलग खड़ा है तो वो ईमानदार इंसान 100 पे भारी पड़ता है ना? तो ईमानदार होना भी अपने आप में बहुत ही बड़ा काबिलियत है, लेकिन आज के जमाने में कौन 100% तो कोई नहीं है मैम, है ना? 99% तो हो सकते हैं लेकिन 100% तो कोई नहीं रह पाता है, कि हम भी नहीं है। हम भी तो कभी, हम पूरा दिन में कहीं ना कहीं तो झूठ बोल ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो झूठ बोल ही देते हैं, है ना? तो ईमानदारी कहाँ है आज के जमाने, लेकिन जो ईमानदार है वो आज बहुत आगे हैं। जैसे हमारे एस मुकोरा सर है ना, उन्होंने देखिए हम सबके लिए कितना कुछ किया है, कितनी मेहनत करते हैं वो, है ना? क्या उनको चिंता नहीं है हम सबकी? हम क्या वो वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों क्या है? कुछ नहीं, वो उनको कितनी टेंशन है, है ना? तो हम लोग क्या, हम लोग तो वेबिनार करते हैं, एक दूसरे का सुन लेते हैं, आपस में दुख सुख बांट लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुत टेंशन है। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी मैम, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू रेणु जी, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आज हमारे ईमानदारी की जो मिसाल दिए जाते हैं ना, ईमानदारी, हम अपना काम जो काम है वो ईमानदारी से करें, अपने विश्वास लगन से करें तभी, और जो हमारे हाथ में नहीं है ना वो हम भगवान के प्रति छोड़ दें तभी हम ईमानदार हो, क्या हमारा काम भी पूरा होगा, हम ईमानदारी होगा। जो महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन तराजू पर ठीक से खड़ा रहना, मछली की आंखों में ही देखना, तुम इधर उधर ध्यान मार भटकना, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सी चीज समझा रहे थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा आप तो भगवान हैं, आप मेरे साथ हैं, तो हमारा क्या, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। बोले नहीं, तुम अपना काम जो है वो ईमानदारी से करो और अपने ध्यान लगा के करो तुम्हारा। तो अर्जुन बोला तो आप क्या करेंगे? बोले मैं वो जो पानी है ना उस पानी को स्थिर रखूंगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो इंसान के बस में नहीं है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे बस में जो काम है वो हम ईमानदारी से करना चाहिए हमें, और इसलिए वो हम ईमानदारी से काम करें। तो अभी मैं जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। जेपी जी प्लीज वेलकम। मैम हैंड रेज भी है कुछ है। हाँ जी जी आइए जेपी सर। हाँ, जेपी जी आए ना, जेपी जी बोले फिर उसके बाद हैंड रेज लेंगे। जेपी सिंह जी सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जेपी सिंह जी अनम्यूट किया है नहीं? तो जेपी सिंह जी आपको आवाज सुनाई दे रहा है? एक सिंह मैम कॉल आ गई थी संपर्क में। हेलो, अच्छा अच्छा ओके ओके, आवाज मेरी आ रही जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और सादर सहित, और मैं यहाँ पर पैनल पे जितने सभी हमारे
होस्ट को होस्ट और जितने सीनियर्स है या प्राउड फाउंडर ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं सबका तहे दिल से आभारी हूं, रेडी हूं मैं, धन्यवाद करता हूं। और जितने अटेंडेंस है इस चैनल पे आके पैनल की जो सब लोग शोभा बढ़ा रहे सबका मैं दिल से आभारी हूं, रेडी हूं। बहुत प्यारा टॉपिक लिया आप लोगों ने, ईमानदारी। बहुत सारी स्पीकर्स आए और खास तौर पर हमारी सीमा जैन मैम जो इस चीज की एक एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। साइन मैम जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। विकास सर ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया क्योंकि विकास सर हमारे बड़े भाई मेंटर और गुरु भी हैं, इसके साथ साथ वो एक प्रोफेशनल टीचर भी हैं। तो टीचर की एक हैबिट में होता है कि ये उनका एक कर्तव्य और एक नैतिकता भी होती है, और वही रूप यहाँ पैनल पे कभी कभार हम देख लेते हैं कि वो नैतिकता झलक जाती है, आ जाती है। तो लगता है कि अब हम टीचिंग के रूप में हम स्टूडेंट हैं इस समय, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एज एक ये पैनल पे हमें कॉम्बो पैक मिलता है, तो हमारे टीचर्स भी हैं, गुरु भी है, मेंटर भी है, नैतिकता भी है और एक परिवार भी है। और हम जिस सिस्टम के तहत आज एकत्र हुए यह एक यही एक पावर है कि ये कॉन्सेप्ट ईमानदारी के साथ बना है। ईमानदारी एक ऐसा एक दवाई है, एक जादू है, एक मिठाई है, एक टोना है कि ये परेशान होता है पर पराजित कभी नहीं होता है। और यही कारण है कि ऑन पैसिव के हर शख्स में, हर शख्सियत में, हर क्वालिटी में, सब में ईमानदारी जड़ जड़ में भरा है, कूट कूट के भरा है, नस नस में भरा हुआ है। ईमानदारी इसका एक बेस बन गया है, यही कारण है कि ऑन पैसिव अपने आप में एक ब्रांड हो गया है। और इसीलिए हम लोग ईमानदारी के साथ में, ऑन पैसिव में एक डेडिकेशन के साथ में, अपना कर्तव्य नेता एक नैतिकता के साथ में, अपनी ईमानदारी, इसीलिए हम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ईमानदारी अगर नहीं होती तो आज हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाए जाते, चूंकि इतनी पेशेंस, शालीनता और गंभीरता के साथ में हमने जो यहाँ समय दिया है और जो हमने एजुकेशन ली है, जो एक नया माहौल में हम जिंदगी जी रहे हैं, बिना कोई लालच के, बिना कोई दबाव के, बिना कोई प्रेशर के हम जो जीवन जी रहे हैं, यही इसीलिए हम ब्रांड एम्बेसडर बने। क्योंकि ईमानदारी अगर देखा जाए जीवन के लिए, हर पहलू के लिए, ईमानदारी एक उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है, एक ऑक्सीजन साबित होती है कि बिना ईमानदारी के हम एक पल नहीं जी सकते हैं। हाँ, जिंदगी को खींच सकते हैं, जिंदगी को घुटेल सकते हैं, चाहे वो हमारे कर्तव्य के प्रति हो, हमारे समाज के प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, चाहे हमारे राष्ट्र के प्रति हो या मेरे किसी रिश्ते के प्रति हो, कुछ दिन चलो, लेकिन जीवन ईमानदारी के साथ कहीं भी, और ईमानदारी बनाई नहीं जा सकती है, कुछ देर मेंटेन किए जा सकती है, लेकिन जिस दिन ईमानदारी के साथ मुझे जीना आ गया, मुझे चैलेंजेस स्वीकार करना आ गया, मुझे ईमानदारी मेरे ब्लड में आ गई, उस दिन जीवन मेरा आसान हो जाएगा, दूरदृष्टा हो जाएगी, हम चैलेंजेस स्वीकार करने लगे, हम परेशानियों का सामना करते जाएंगे, लेकिन जो चाहेंगे वो हासिल करके आएंगे। ये ईमानदारी का मेरी नजर में ऐसा है। कितने भी बुरे हालात हो, कितना भी बुरा वक्त हो, कितने भी दुश्मन विरोधी हो, लेकिन ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, अपने डेडिकेशन के प्रति ईमानदारी से रहिए। दुनिया बोले या ना बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरी आत्मा बोलती है। और सबसे पहले आप वह काम करिए ईमानदारी से कि कोई जवाब देना दे, लेकिन आपकी अंतर आत्मा करिए कहती है कि हाँ आप सच्चे हो, आपको जो करना चाहिए वही कर रहे हो, 100 में 100 नंबर मिलते जाइए, आपका दिल गवारा करते, दिल और दिमाग साथ देता रहे, आप दुनिया वही काम करते जाइए, ईमानदारी से आपको आपकी कामयाबी से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा का ऐसा मानना है। और यही एसएन ने शुरुआत में जब हम लोग आए थे, शुरू एसएन ने वही किया जो दिल और दिमाग ने किया, उनकी स्ट्रेटजी ने किया, ईमानदारी से आती है, ना कोई चैलेंजेस, ना कोई विरोधी, ना कोई गवर्नमेंट है, कोई कहीं कुछ नहीं कर पाई। आज इतना बड़ा कर्म खड़ा कर दिए कि जो लोग विरोधी करते थे वही आज कॉपी करने के लिए तैयार है। ये ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल है ऑन पैसिव। इससे ज्यादा अभी ऑन पैसिव के अलावा ईमानदारी का कोई दूसरा विकल्प इस दुनिया में बना है ना आगे बनेगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे पहला ईमानदारी का, अगर हमें देखा जाए, राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा ईमानदारी का रोल निभाया था। ईमानदारी ने उनको अपने तन पे कपड़े भी नहीं रहे थे, लेकिन ईमानदारी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। लेकिन इसके बाद में आज उनकी ईमानदारी का लोग मिसाल देते, एग्जाम्पल देते, और दुनिया में जो उनके पास था सारी धन दौलत उनके पास वापस आ गई थी। ये ईमानदारी का प्रमाण है। एक तरह से जगह जब ईमान खत्म हो गया था, लेकिन वही खुशियां, वही जीवन दोबारा मिल गया, तो ये ईमानदारी का जीता जागता है प्रमाण है। और आज आज की दुनिया में एसर के अलावा और ऑन पैसिव के अलावा कोई ईमानदारी का दूसरा प्रमाण इतना बड़ा ना बना ना बनेगा, ये स्वाद गारंटी है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना आपका सुनने में सच में वो जोश आ जाता है। बहुत अच्छी बात बोले। थैंक यू। तो अभी मैं हैंडेज लेना चाहूंगी। धर्मेश जी चले गए क्या? शिराज नाजमी जी, प्लीज आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम जी। वेरी थैंक यू संपा दीदी, नमस्कार आपको
और आपको पहले भी हम आओ हम सीखे 220 के मंच पे हम लोग सुन चुके हैं एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जय हिंद जय भारत। मैं अपना परिचय पहले आप सबको देना चाहूंगा। मैं सिराज मोहम्मद निजामी, रीवा मध्य प्रदेश इंडिया से, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव आईटी कंपनी। आज का टॉपिक ऑनेस्टी है। यहाँ पहले तो मैं आप सबको दिल से रमजान शरीफ की मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि आज से एक ये ऑनेस्टी, पवित्रता और बरकत का महीना शुरू हो रहा है। रमजान मुबारक हो सभी को। और इस महीने की ये खास चीज है कि हम जब रोजा रखते हैं, उपास रखते हैं, व्रत रखते हैं, किसी भी धर्म का हो वो, उस टाइम पे हमारे अंदर ये ऑनेस्टी होती है कि अगर हम मुंह में पानी भी लेते हैंगे तो वो हलक के नीचे नहीं उतारते हैं। यही हमारी ईमानदारी पूरे जिंदगी में हमें फॉलो करनी है। ये हम अपने नियम में और अपने कायदे कानून में पवित्रता के साथ बंधे रहें इसी तरीके से। और जो फ्रॉड से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से सम्मान प्रतिष्ठा कमाई जाती है। कामयाबी ईमानदारी से ही मिलती है। फ्रॉड से लोग रोटी तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन जो सुकून की रोटी कही जाती है कि वो ईमानदारी से ही प्राप्त होती है। फ्रॉड करने से हम अमीर जरूर बन सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की कमाई हमें सुकून की नींद अता करती है। तो ये हम जिस कंपनी पे आ जाए हैं, वहाँ हमारे सीईओ जनाब ऐश मुफारे सर का स्लोगन ही है कि हम करप्शन को करेक्शन में बदलने के लिए आए हैं। और इससे बड़ी और कोई सबूत नहीं हो सकती कि अभी हमने ओ केवाईसी का जो देखा अपनी एप्लीकेशन, वो केवल हमें जो आइडेंटिफाई करेगी हमारी ईमानदारी को ही, कि हमने जो नाम और जो अपने प्रोफाइल पे फोटो दी है वो हमारी आइडेंटिटी से मैच हो रही है या नहीं, क्योंकि बाकी हमें और कुछ केवाईसी में नहीं करना है, केवल हमें अपनी ईमानदारी ही प्रूव करनी है। बस मैं अपनी बात अपने शब्दों को यहीं खत्म करता हूं। वेरी थैंक यू। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। थैंक यू नियर सिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद आपके बात सुनी, बहुत अच्छा लगता है आपका रियल में, तो थैंक यू। अभी मैं अमर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, आज मीट का ऑप्शन दिया है। अमर सिंह मैं सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी बहन संपा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने हमें बोलने का मौका दिया है। मेरे आज ग्रेट मेंटर गुरु एदीश जी इसमें हमका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, हम उनके लिए दुआ करते हैं तो जल्दी स्वस्थ होकर के आए। उन हमारे विकास सर, सर्वेंद्र जी, बन्ना जी, और क्या नाम है, नजमा जी, साइन जी, एवं प्लेटफार्म पर जुड़े हुए सभी ब्रांड एम्बेसडर को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑन पैसिव कंपनी के गॉड एस मुफारे सर को, जिन्होंने 21वीं सदी में AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम रहित प्लेटफार्म तैयार करके हम सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता को एवं उस परम पिता परमात्मा अल्लाह गॉड बागुरु को, जिन्होंने अलम अलिल्लाह मुझे इस काबिल समझा। इसका मतलब यही है, और हम इस कंपनी में आकर मानव कल्याण हेतु किसी के दुख दर्द बांटने लायक बनूं, ईमानदारी से प्राणी मात्र के काम आ सकूं, यही सच्चा सुख है, यही प्रकृति का सच्चा आदेश है। हम सर यही कहना चाहेंगे कि जैसे, हाँ सर जी, और एक शब्द और है कि आज ऑन पैसे में कोई भी ब्रांड एम्बेसडर अपने को कमजोर या अनपढ़ न समझे, प्रकृति के भाव को समझे। जैसे बहती हुई नदी या दरिया में बहता हुआ पत्थर इधर उधर गिरता है, प्रकृति से निर्मित वस्तुओं से टकराता है,
उस पर कोई दाग धब्बा नहीं आता है और चमकता ही दिखाई देता है। नई दिशा जैसे प्लेटफार्म पर मीटिंग में जुड़ करके ऑन पैसिव में अपनी नई चमक दिखाएं, जैसे कि खदान से हमारा हीरा कोयले की खदान से ही निकलता है। हम यही कहेंगे कि हम सबको मानवता के लिए बनाए प्लेटफार्म पर हम सब परिवार की तरह कदम से कदम मिलाकर ऑन पैसिव में आगे ले जाना है, यही सच्ची सेवा होगी। थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात बताई। आप ऐसे ही आते रहिए, हमारे साथ बात करते रहिए। अभी मैं हैंड रेज किया था पिंकी नाशा, आपको अलाउ टू टॉक का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। हेलो जी, बोलिए। ओके, सबको सबसे पहले तो हमारा नमस्कार, और नवरात्रि चल रही है तो आपको सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। जय माता दी। मैं लखनऊ से पिंकी शाह बात कर रही हूँ। योर ग्रेट अमेजिंग आपकी होस्टिंग मैम, और आपके लिए बस मैं यही कहूँगी कि योर बीन द बेस्ट होस्टिंग आपकी। और आज का टॉपिक है ईमानदारी, तो ईमानदारी को लेकर के मैं बस एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगी कि सौदागर बेचते हैं मासूमों के बाजार में जमाने की भलाई, यह चीज नहीं कभी देनी मुंह में घुली मलाई। कहे दोस्तों मुंह में इतना हुआ मधुमेह, फिर भी स्वाद का आया एक मिठास, बेईमानों के लिए अगर बेईमानी ही आंखों में छा जाए तो ईमानदारी की आदत में कभी नहीं मिलती कोई दवाई। इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि दोस्तों कभी किसी को ईमानदारी से अपनी भटकना नहीं चाहिए। ये चीज कभी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम किसी को समझा सके या किसी को एक्सप्लेन कर सके, ये खुद में होनी चाहिए कि हम कितने ईमानदार हैं अपने काम को लेकर, अब किसी भी चीज को लेकर, अपने परिवार को या दोस्तों को या किसी भी चीज को लेकर के हम जितने ईमानदार खुद में होंगे तो उतनी ही ईमानदारी हम अपने बाकी रिश्ते से भी निभा पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ती रहिए। अब उषा अरोड़ा जी, आपको अलग टू टॉक का ऑप्शन दिया है, उषा जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सपना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पर सभी आई पैनलिस्ट, सभी ऑल ब्रांड एम्बेसडर को मैं थैंक यू सो मच करती हूँ। नई दिशा का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, और मैम आज आपकी बहुत वैल्यू, बहुत ग्रेट ग्रेट शेयरिंग, आपकी जो होस्टिंग है बहुत बढ़िया मैम, मस्त। और मैं आप तो आए खिलता हुआ चेहरा तो मैं देखती ही रहती हूँ कि मुझे आप बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो आज का टॉपिक है ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर। देखो ईमानदारी हर इंसान में होनी चाहिए, पहले ईमानदारी तो अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, कि हम अपने, पहला कहते हैं ना, अपने बच्चों में संस्कार ऐसे दें कि हमारे बच्चे सही दिशा में चले। पहले माँ, पहली गुरु माँ, और दूसरा गुरु बच्चों को जब हम स्कूल में डालते हैं टीचर, तो पहले हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि उनका, क्योंकि उसी चीज पे बच्चों का बेस, बच्चों की नींव रखी हुई है। अगर पहले घर से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे, सेकेंड स्कूल से, तो बच्चों की नींव अच्छी होती जाएगी। दूसरा अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, और अगर हम ईमानदारी से कोई भी कार्य करते हैं तो मैम वो हमारी एक मिसाल बन जाती है, हमारी एक मोनोपोली बन जाती है कि फला इंसान की, एक ब्लाइंड फेथ से कह देते हैं कि हाँ उस इंसान से ये कार्य करवाओ, जिम्मेवारी भी दी जाती है उसको कि वो ऐसा कार्य करेगा तो उसको जिम्मेवारी दी जाए। तो ये सबसे बड़ी गुडविल होती है समाज में। तो ईमानदारी की परिभाषा तो कई है, हम डेफिनेशन भी कहीं दे सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हर इंसान को अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, जब हर इंसान अपने मन में ये भाव बना ले ना कि मुझे अपना कार्य के प्रति ईमानदार रहना है, तो समाज में कई तरह की बुराइयां खत्म हो जाएंगी मैम। जो आज भ्रष्टाचार चल रहा है, मतलब किसी की बेटी को बेटी नहीं समझा जाता, मतलब लोगों के मन में इतना बुरे विचार भरे पड़े हैं, हर इंसान को सोचने की जरूरत है। खुद पे वर्क करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा समाज में।
पहले खुद से, फिर ही हम समाज बदल सकते हैं, ना कि हम बड़े बड़े लेक्चर या भाषण दे के दे दें वहां पर और हम उस पे अपने ऊपर तो वर्क कर नहीं रहे मैम, और दूसरों को हम सिखा रहे हैं। खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी है। जैसे आज हमारे मिस्टर ऐश मुफारा जी ने इतना 4 साल से हम लोगों ने ट्रस्ट ही ना, और वो ईमानदारी से, नहीं तो मैम हमने भी कई कंपनियों में काम किया, पैसा डूबा भी, लेके चले के क्या कर लिया हमने, कुछ भी नहीं। लेकिन आज हमारे ऐश मुफारा सर जी हमारे मतलब भरोसे पे खरे उतरे हैं और हम हमें उनके ऊपर प्राउड है कि हमें ऐसे बहुत प्राउड है। टाइम हो गया, थैंक यू सो मच मैम, दूसरे दिन आपके बाद ज्यादा सुनेंगे। हाँ, और एक फैन बेस था हमारा आपके बाद, रियल में उषा जी आपके बाद बहुत अच्छी बात बताई आपने, सच में बहुत अच्छी बात। तो थैंक यू मैम, वेलकम आप सबको, थैंक यू, थैंक यू। और विक्रम सुबेदी, एक आपने हैंड रेज किए थे, आप आइए, आपको अलाउड टू टॉक दिया था अनम्यूट का। विक्रम जी प्लीज वेलकम, आप एक मिनट में कुछ बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। मायसेल्फ विक्रम शर्मा सुवेदी फ्रॉम वेस्ट बंगाल इंडिया, और 2020 से बिल्कुल पॉजिटिव, और अपने आप को प्राउड फाउंडर मानता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में हमारे मोदी जी ने ऐसे प्लेटफॉर्म का आविष्कार कर दिया कि इतना अच्छा अच्छा टॉपिक में बात चल रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती रहती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक चीज खटक रही है कि मैं वो छोटी सी बात रखने के लिए मैंने हैंड रेस किया था कि मैम हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमारा ड्रीम्स ड्रीम्स बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ब्लेसर के पास अभी भी मतलब मेरे अभी मेरा भी 200+, मैंने 200+ को सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसे ब्लेसर है कि जिनके पास 1 करोड़ रुपया का अगर ड्रीम्स बनाओ बोलने से 1 करोड़ रुपया का ड्रीम्स भी उनके पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस मंच में अगर हम ड्रीम्स को मतलब पैदा कर दें कि व्हाट इज ड्रीम्स बोल के, हाँ, आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स सब आके ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जैसे छोटे बंदे भी अपना ड्रीम्स बना सकते हैं, जैसा मुझे ऐसा लगा। इसके लिए हैंड रेस किया था, अगर गलती हुई है तो आई एम सॉरी, थैंक यू मैम, इतना ही मैंने बोला, ओवर टू यू। थैंक यू विक्रम जी, किसका क्या ड्रीम्स है इससे कोई मतलब नहीं, आपका अपना ड्रीम्स को बड़ा कीजिए। मिस्टर एस यही बोले थे जी, आपका ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, छोटा ऐसे में नहीं, बड़ा कीजिए, अपना ड्रीम बड़ा कीजिए ना, तो अपने आसपास भी बड़ा हो जाएगा, कौन क्या कर रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू विक्रम जी। शायन जी, शायन जी आप हो क्या, नमाज पढ़ने चले गए क्या? शायन है? शायन मैम नहीं है, शंपा मैम। अच्छा, विकास जी आप आइए, फिर मैं एंड अप कर देती हूँ, आप थोड़ा बोलिए कैसा लगा आज का वेबिनार। थैंक यू शंपा मैम, और आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया, और आज का सेशन निश्चित ही है, अगर एक वन वर्ड में बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग। जिस प्रकार से सीमा मैम ने बातें रखी, जो प्रेजेंट किया बातों को, निश्चित ही वो सीखने वाली रही, और जो सीमा मैम ने जो बातें की और हम सभी लोगों पे जो जो एक मोटिवेशन मिला, जो कि ऑनेस्टी के ऊपर कुछ बोल सके, तो लास्ट में काफ़ी लोग आए, बीच में साहिन मैम आई, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा उन बातों को आगे बढ़ाया जिन बातों को सीमा मैम ने जहाँ छोड़ा था। और बाकी पैनल पे जितने भी लोग थे, विशाल सिंह जी हैं, राजेश जी हैं, या रामला मैम है, रामला मैम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, उन बातों को तो निश्चित ही अनुसरण करना ही करना है। और ओवरऑल सोनिया जी हैं, वंदना जी हैं, या जेपी सिंह लास्ट में है, ये सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। और हैंड रेज में जैसे कि निजामी जी हैं, या अभी लास्ट में जो अभी विक्रम जी ने भी बात की, तो निश्चित है कि ड्रीम का, देखिए ड्रीम के बिना तो सब संभव ही नहीं है, तो ड्रीम को बड़ा करना है और जरूर सोचा जाएगा, इस पर एक टॉपिक जरूर तैयार किया जाएगा। और ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं थैंक्स कहूंगा आज के सेशन में सीमा मैम का,
और संपा मैम आपका गुड होस्टिंग के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन को आप समाप्त करें। थैंक यू मैम। We are so in it to win it.